अफसरनामा में हम बता रहे हैं एडीसी प्रदीप दहिया जी के बाबत अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। दहिया सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहला तो यही है क्योंकि गुरुग्राम जिस तरह से यूँ कहिए कि देश का एक बड़ा शहर है और डिस्ट्रिक्ट के तौर पे देखें तो 200 से ज़्यादा पंचायतें यहाँ हैं, तो किस तरह से क्या कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं? देखिए, जैसा आपको पता है कि गुरुग्राम जिला जो है वो प्राइमरली अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में माना जाता है, जिसकी ख्याति ना ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। लेकिन इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 203 पंचायतें हैं। जैसा अभी आपने देखा, सरपंच साहब मिलने आए हुए थे। देखिए, जैसा कि आपको खुद ही पता है कि डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, इसमें सालों साल काम चलता है। जैसा अभी सरपंच साहब ने बताया कि कुछ काम ऐसे जैसे पौंड हैं, जोहड़ खुद गए हैं, अब उनके लिए पाइपलाइंस के लिए अगला मैकेनिज्म करना है, तो हम IWMP स्कीम होगी जैसे, और एक्सप्लाइटेड हमारे जो ब्लॉक्स हैं जिसमें वाटर टेबल हमारा रीजनेबली एक्सप्लॉइट हो चुका है, तो उनमें हम वाटर कंजर्वेशन के मैकेनिज्म कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे आपको पता है, आज के जो एक अच्छी स्कीम जो चलाई है नेशनल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हम ODF डिक्लेयर हो चुके हैं हमारे पिछले ADC साहब के कार्यकाल में ही। अब हम उसको आगे लेके जा रहे हैं, जिसमें ODF प्लस कहा जाता है, जिसमें कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है, जिसमें कि बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि 2 वर्ल्ड बैंक के भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, एक गांव फाजिलपुर बादली में और एक दमदमा में, उसके प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एस्टिमेट्स का, उसमें अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, अफसरनामा में बात हो रही है, लगातार हम बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं 2013 बैच के युवा IAS अधिकारी प्रदीप दहिया जी के बाबत। उनके ऑफिस में हैं गांव के सरपंच, 200 से ज़्यादा गांवों के डेवलपमेंट की जिम्मेवारी उनके पास होती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं, चाहे वो गांव के लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट के लेवल की बात करें, वो चलती हैं। गांव के कुछ सरपंच आए हुए हैं ऑफिस में उनसे मिलने और अपनी समस्याओं को लेकर, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी और ADC साहब ने क्या भरोसा दिया? हमारे गांव में सफाई की, गंदे पानी की निकासी की, हमारे ADC साहब प्रदीप दहिया जी बड़े बेखूबी से हमारा वो करते हैं, निपटारा करते हैं, ग्रांट भी देते हैं, सभी समस्या को बढ़िया तरीका से निपटाते हैं। एक और बात बता देते हैं, ADC साहब की जो जिम्मेवारी है ये LCC होती है, और इससे क्या होता है कि जो बेसिकली सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकार जो महिलाएं हैं वर्क प्लेस पे, उनको सुविधा या उनकी मदद के लिए होती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये वर्क करती है, ADC साहब की निगरानी में ये जो कमेटी है वो काम करती है? देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस है वो स्पेसिफिक लॉ है विमेन के लिए। इसमें क्या होता है कि हर एक कंपनी की, जिसमें भी 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जिम्मेवारी कि वो अपने एक अपना जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका, उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे, जिसमें कि कोई महिला अगर मान लीजिए उनको सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ तो वो वहाँ अपना अर्जी देंगे, फिर वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसके बाद एक कमेटी होती है LCC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी ICC कमेटी नहीं बनाती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाती है, तो डायरेक्टली LCC के पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। इसके बाद इसमें ये देखने वाली बात रहती है कि इसका यूज़ क्या है। देखिए, ये गुरुग्राम जैसे ज़िले में और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखिए जैसे जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं उन महिलाओं के लिए जो मैकेनिज़म्स हैं, लेबर लॉज भी हैं, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज़म नहीं है कि जैसे ट्रिब्यूनल्स होती हैं सर्विस रूल्स के लिए। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होती हैं, लेकिन कॉरपोरेट के लिए और वैसे ये जो लॉ है दोनों ही के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए, तो ये उनके लिए एक ईजी सोल्यूशन होता है।
जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ जनरल लॉज हैं जैसे आईपीसी में भी कवर होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन ये स्पेसिफिक एक एक्ट आया है जिससे इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जैसे जो उनको कंपनसेशन मिला वो तो है ही है, लेकिन ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक अच्छा वर्क कल्चर बना रहे कंपनीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी सेक्टर के लिए है। और आपको बता दें कि एडीसी तो हैं ही गुरुग्राम के, उनके अलावा इसके अलावा एक जिम्मेवारी उनके पास जो आरटीए की जिम्मेवारी है वो भी एडिशनल चार्ज है। सर जानना चाहेंगे आरटीए बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी क्या है, किस तरह से काम करते हैं आप? देखिए जैसा कि अभी स्थिति है पूरे हरियाणा में जो एडीसीज हैं उनके पास एडिशनल चार्ज है सेक्रेटरी आरटीए का, ये ट्रांसपोर्ट विभाग के अंतर्गत आती है जिम्मेवारी। इसमें हमारी जिम्मेवारियाँ क्या रहती हैं, जो भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं हमारे, जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं प्लस में कमर्शियल नेचर के जो व्हीकल्स हैं प्लस स्कूल बसेस हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन हरियाणा रोडवेज जो भी बसेस हैं, टूरिस्ट बसेस हैं, वो उनसे संबंधित रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उनके परमिट का काम देखना, इसके अलावा स्कूल बसेस के लिए स्कूल सुरक्षित वाहन पॉलिसी जो हमारी है हाईकोर्ट से जो निर्देशित होती है उसकी जो जिम्मेवारी मॉनिटर करने की वो हमारी रहती है, जिसके अंतर्गत हम रोड सेफ्टी के कैंपेन्स भी करते हैं, स्कूलों में जाके स्कूल बसेस भी चेक की जाती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, पब्लिक मोबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेवारियाँ हमें मिलती हैं हम उनका निर्वहन करते हैं। अलीपुर स्मार्ट गांव है, 200 के करीब ग्राम पंचायत हैं गुरुग्राम में, वहां दौरा करने आए हुए हैं। सर से बात कर लेते हैं, सर अगर बात करें स्मार्ट गांव है अलीपुर, यहां की स्थिति के अलावा पूरे गांव की स्थितियों की बात करें पूरे ज़िले में क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ प्रायोरिटीज़ हैं आपकी? देखिए जैसा कि आप अभी आए हैं आपने देखा यहां के एक ग्राम सचिवालय हैं, जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट ग्राम माननीय राष्ट्रपति जी ने कुछ गांव गोद लिए थे, उनमें से अलीपुर भी एक गांव है, जिसमें कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं डेवलपमेंट को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं वो सारी कन्वर्ज होंगी उन गांव के लिए। तो अलीपुर पहले फेज़ में लिया गया गांव था, इसके तहत यहां पर पूरे गाँव में वाईफाई, पूरे रोड्स की कनेक्टिविटी, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल एजुकेशन फैसिलिटीज़ को दुरुस्त किया गया था। हम ये कह सकते हैं कि स्मार्ट ग्राम एक वो व्यवस्था थी जिसमें कि रूटीन के अलावा सारी स्कीम्स को कन्वर्ज किया जाएगा, फंड्स स्टेट गवर्नमेंट से, पीएसयू से, कॉरपोरेट से, जो उनके सीएसआर फंड्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतना फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रेसिडेंट हाउस से। ऐसी शॉप और छोटी कैंटीन चला सकते हैं कहीं पे, आपको उसके लिए कोई ट्रेनिंग है सबसे, और जो काम आपको जो सही लगता हो, मैं कोई ऐसा नहीं कहूँगा कोई एक काम ऐसा जो आपके लिए बेस्ट हो। तो आपने देखा होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से काम करते हैं, एडीसी साहब ने उनको बकायदा ये चीज़ें बताएं कि बहुत सारे और ऑप्शन हो सकते हैं। सर ने लंबा एक समय इनके साथ गुजारा है, जो महिलाएँ हैं गाँव की वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। सर और क्या कुछ सरकार की तरफ से, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जा रहे हैं इनकी मदद के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है आपकी तरफ से? देखिए जैसा कि आपको पता है हमने अभी आपको जो बातचीत कराई है वो IWM इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, जिसमें वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ लाइवलीहुड का भी ध्यान रखा जाता है। इसके तहत जैसे आपको पता है गरीब घरों की जो महिलाएँ हैं उनके ग्रुप्स बनाकर उनको बैंक से लोन कराया जाता है, वो अलग अलग तरह से अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे महिलाओं ने कहा जी कि इनकी एक समस्या है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी, तो ये अपने एक्टिविटीज़ करते हैं। और उससे एक दूसरा काम है कि बोरो कर सकते हैं आपस में मनी को ग्रुप के थ्रू ही, जिससे इनको इंटरेस्ट मनी थोड़ा बन जाता है। उसके बाद जो समस्या इन लोगों ने बताई, एक दो समस्याएँ भी आती हैं इन लोगों को, जैसे ये कह रहे हैं जी हमें ट्रेनिंग करानी सिलाई की, तो हम इनकी कौन सी एक वित्तीय सहायता, एक ट्रेनिंग को लेकर हम इनके ट्रेनिंग कराते हैं। तो अभी हमने जो स्कीम हेड है उनको निर्देश भी दे दिए कि इनकी जो ट्रेनिंग हो सिलाई की, सिलाई कढ़ाई की, वो गांव में ही हो। ये कहते हैं कि जी हमें इतने सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, दूर भी पड़ता है और हम इनका समय और पैसा भी लगता है, तो हम वहीं से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही ट्रेनर्स इनके लिए भेजेंगे।
ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है और गुरुग्राम में बड़ी दिक्कत है उसकी, लेकिन जो गुरुग्राम प्रशासन है वो उसके लिए बड़ा गंभीर है। उसकी ये बांधगी है अलीपुर में, ये चेक डैम बनाया गया है। सर, जानना चाहेंगे कितनी उपयोगिता है, कितना यूटिलाइजेशन है इन चीज़ों का? देखिए, जैसा कि आपको पता है, गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम जिला जो है डार्क जोन में आता है। इसके तहत क्या प्रॉब्लम आती है कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसका एक्सट्रैक्शन की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है डाउन चला जाता है। जैसा कि यहाँ पर 250 फीट के आसपास में आपको पानी मिलेगा। इसके बाद ये कहा जाता है कि जैसे जो रेन वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, अगर रेन वाटर को कंजर्व किया जाए और वाटर टेबल को रिचार्ज किया जाए तो वो एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए बहुत ही सही रहता है। इसी ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए IWMP स्कीम के तहत आसपास के गांवों में जहां पर भी ज़रूरत है और जहां पर वायबिलिटी है वहां पर IWMP स्कीम के तहत ये चेक डैम्स बनाए गए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर पीछे जो कैचमेंट एरिया है यहां का 300 हेक्टेयर के आसपास है, तो जो पानी आता है वो दर्रों से निकलता हुआ यहाँ इकट्ठा होता है और वो यहीं रहता है और वाटर टेबल को हम रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ अगर ये चेक डैम नहीं होगा तो क्या होगा, ये पानी सारा बह जाएगा, ड्रेन में चला जाएगा, जो कि सही नहीं रहता है। ये बड़ी अच्छी बात बताई है गुरुग्राम प्रशासन ने। जिस तरह से ADC साहब बता रहे हैं कि वाटर लेवल जिस तरह से गुरुग्राम डार्क जोन में है और उसको उस स्थिति से उबारने के लिए ये चीज़ें काफ़ी मददगार साबित होती हैं। अफसरनामा में लगातार ADC साहब ये बता रहे हैं कि गांवों के विकास के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। दमदमा गांव में हम हैं, जहां एक मशहूर लेक है, दमदमा लेक है, प्रदेश के टूरिज्म के विभाग की तरफ से इसको चलाया जाता है और दमदमा के लिए कुछ खास विशेष है। ADC साहब बता रहे हैं, सर क्या कुछ और किया जा रहा है खासकर यहाँ के लिए? जैसे देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो दमदमा हमारा गाँव है वो हमारा एक स्मार्ट ग्राम विलेज भी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके लिए वर्ल्ड बैंक से हमें जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं सोलर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद जैसा अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा भी हम इस लेक को, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके जीर्णोद्धार के लिए इसकी खुदाई की है और वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुड़गांव के जो चारों ब्लॉक हैं उसमें जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो 250 फीट से भी डाउन जा चुका है। तो उसके लिए एक स्कीम है हमारी जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उसके तहत हम यहाँ पर चेक डैम्स बनाएंगे और वाटर कंजर्वेशन के बाद जो ये झील है, लेक है, इस पर काम करेंगे ताकि यहाँ टूरिज्म को बढ़ाया जा सके और एक दमदमा के मॉडल विलेज की तरह हम प्रोजेक्ट कर सकें। तो दमदमा की स्थिति और बेहतर करने के लिए, इस टूरिस्ट जो प्लेस को और अच्छा बनाने के लिए गुरुग्राम प्रशासन की ये कवायद है, ADC साहब ने बताई, और बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। जी हाँ, अफसरनामा में बात हो रही है युवा IAS अधिकारी प्रदीप दहिया जी के बाबत, और दहिया जी की जिम्मेवारी है, ADC हैं गुरुग्राम के, RTA की भी जिम्मेवारी संभालते हैं, लगातार उनसे बात कर रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे जो अब तक का सफ़र, 2013 में आप UPSC में सिलेक्शन आपका हुआ और उसके बाद का प्रदेश की बात करें, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, जैसा कि आपको पता है, UPSC में सिलेक्शन के बाद, जैसे मेरा 2013 बैच है, हमारी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कम प्रोबेशन रहता है वो, उसमें जो मैं अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर था, हम बोलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग, मैं वो ACUT जींद जिले में था। जींद जिला एक प्राइमरली एग्रीकल्चर जिला था, वहाँ पर मैंने सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं जो, उनके साथ ट्रेनिंग किया, वो मेरे DCs रहे प्राइमरली। उसमें उस दौरान हम अपना जो फील्ड में काम करते हैं उसमें रेवेन्यू वर्क हो गया और जैसे डेवलपमेंट स्कीम्स हो गए, ADC ऑफिस के जो काम हो गए वो सीखते हैं हम, उनका हम सुपरवाइज भी करते हैं। कई ऐसे काम होते हैं जो हमें, मतलब सिर्फ ऐसा बैठ के जज करना होता है, देखना होता है कि क्या काम चल रहा है। जैसे DC साहब के साथ रहते हैं,
उनका जो वर्क कल्चर है, कैसे स्कीम्स का एनालाइज करते हैं, मॉनिटरिंग, वो काम हमें सीखना। उसके बाद जो मेरी अगली पोस्टिंग रही वो SDM एलनाबाद की थी, जो मेरा अभी तक का मैं कहूँगा कि एलनाबाद पोस्टिंग ने मेरा नज़रिया जो बदला है कि हरियाणा में जो एग्रीकल्चर जो एक प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है वो मैंने सिरसा में देखा, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी देखी कि हरियाणा में मल्टीपल जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर आपको सिख भी मिलेंगे, आपको बागड़ जो बेल्ट बोली जाती है वो लोग भी मिलेंगे। तो जैसे मैं एलनाबाद में था, वहाँ पर एक मेरी जो सब डिवीजन है उसमें दो तहसील थे, रानिया और एलनाबाद, एक में बागड़ी पॉपुलेशन, एक में सिख पॉपुलेशन। तो वो कल्चर से रूबरू होना बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव रहा। उसके बाद जैसे मेरी फर्स्ट प्रमोशन हुई, उसके बाद मेरे को अभी 17 जुलाई में मेरे को गुड़गांव में पोस्टिंग मिली, जो एकदम से बिल्कुल ही अर्बन एरिया था, लेकिन जो जिम्मेवारी मुझे मिली वो ADC का, जैसे आपको पता है हरियाणा में जो काम रहता है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है, लेकिन गुड़गांव जिला जैसा कि है यहाँ पर जैसा काम है, काम का जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा है, और अर्बन एरिया ज़्यादा होने की वजह से और दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से कई बार सीनियर अधिकारियों के साथ भी, कई बार स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जैसे कॉन्फ्रेंसेस में जाना होता, वो एक प्रोफेशनली एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, अलग तरह का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, अफसरनामा देख रहे हैं आप और अफसरनामा में बात हो रही है गुरुग्राम के ADC प्रदीप दहिया जी के बाबत। जिस तरह से आपने देखा कि ऑफिस में किस तरह से काम होता है, या गांव के दौरे जो विकास के कि ज़मीन पे काम क्या चल रहा है उसको करने के बाद कुछ फुर्सत के लम्हे मिले हैं, ADC साहब से बात कर लेते हैं। ADC साहब, ये बड़ी जिम्मेवारी होती है, लाखों लोगों की उम्मीदें होती हैं, और पूरे ज़िले में इस तरह की जिम्मेवारी को देखना, उस इस सब के बाद जो फुर्सत का वक्त मिलता है किस तरह से गुजारना पसंद करते हैं? देखिए, जैसा कि मेरी जो पोस्टिंग अभी ADC गुड़गांव की, यहाँ पर जो मेरे पास एडिशनल चार्ज है, दोनों जिम्मेवारियों करते हुए थोड़ा कम ही समय मिलता है अपने लिए, लेकिन फिर भी जैसे वीकेंड्स होते हैं, कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी ना हो, CM विजिट्स ना हो, VIP विजिट्स ना हो, तो अपनी फैमिली के साथ ही समय बिताना पसंद करते हैं। इसके अलावा किसी फ्रेंड से मिलना है तो उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन वो टाइम सिर्फ फैमिली के लिए ही रखते हैं हम। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है फैमिली का और प्रोफेशनल लाइफ का, वो बेहद ज़रूरी होता है। और अगर आपके शौक़ की बात करें, क्या कुछ अच्छा लगता है अगर फुर्सत के जो लम्हे मिलते हैं? देखिए, पर्सनली मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है, जनरल रीडिंग। स्पेसिफिक अगर उसमें कुछ बात करें तो मुझे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे उनको एनालाइज करना, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उन इवेंट्स के बारे में करना और उससे क्या लर्निंग हो सकती है एज अ पर्सन, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे करंट के इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के इवेंट्स हैं, मे बी डिप्लोमेसी, मे बी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छी बात बताइए, इसके अलावा फिल्मों का शौक रखते हैं? हाँ, देखते हैं, लेकिन मैं सिनेमा हॉल पे मूवीज़ नहीं देखता, मैं घर पे ही देखना पसंद करता हूँ, इंटरनेट के थ्रू, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे मैं देखना पसंद करता हूँ मूवीज़। खेलने की बात करें, कोई गेम का कुछ इस तरह का कोई शौक? हाँ देखिए, पहले तो खेलते होते थे, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। हाँ, एलनाबाद में होते हुए बैडमिंटन वगैरह हम खेल लेते थे। और एक बात, आप जिस तरह से फिट एंड फाइन रहते हैं, क्या मतलब क्या कुछ करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज की बात हो या कोई दूसरी चीज़ है, क्या करते हैं बेसिकली? देखिए, वैसे तो बताएं आपको कि जैसे जगह पे बहुत डिपेंड करता है, जैसे गुड़गांव यहाँ पर समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से डाइट का बड़ा ध्यान रखते हैं कि खाना क्या खा रहे हैं। ये भी सेहत का बड़ा अच्छा राज है कि आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, घर की चीज़ें अच्छी होती हैं। और दूसरी बात, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इंस्पिरेशन रही सिविल सर्विसेज में आने की? देखिए, जैसे मेरे पिताजी जो हैं, मेरे फादर रेलवेज़ में इंजीनियर थे, मैंने भी BTech किया हुआ है, उसके बाद मैंने जॉब किया, मैंने आपको बताया मैं इंफोसिस में 3 साल इंजीनियरिंग के जॉब किया मैंने बेंगलोर में कैंपस सिलेक्शन के बाद। उसके बाद देखिए, जो सिविल सर्विसेज है एक अच्छा प्रोग्रेसिव और एक ऐसा करियर है जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस से जुड़ के एक पॉलिसी मेकिंग का जो काम रहता है, पर्टिकुलरली जो IAS एज ए सर्विस है, जैसा आपको भी पता है कंट्री के लिए पॉलिसी मेकिंग है, फील्ड में काम करना है, ये मुझे अच्छा लगता है। बड़ा लक्ष्य होता है, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि इसको हासिल करने का, जो अब एक जिम्मेवारी, एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है आगे चल के,
چاہے وہ فیملی میں بات کریں، فرینڈ کی بات کریں، یہاں جو یہ مقام حاصل کیا، کون کس کی بھومی کا مانتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جیسے یہ جو ایز اے ایم بھی اور ایز اے اچیومنٹ بھی جو یو پی ایس سی کو کوالیفائی کرنا رہا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے پہلے جاب کی ہوئی ہے، تو جاب کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ان ریئل آپ کے لائف میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کس طرح کے ورک کلچر میں آپ کام کرنا چاہیں گے، ورک پروفائل کیا رکھنا چاہیں گے۔ تو میری جو اچیومنٹ رہی، جو میں یہ ایگزام کوالیفائی کر پایا، اس کا میں شے اپنی فیملی کو دینا چاہوں گا، اپنے پیرنٹس کو، اور جو میرے فرینڈس ہیں، پرٹیکولرلی میرا فرینڈ ہے راہل مہتا، جو میرے ساتھ اسکول کالج جاب بھی اکٹھا کیا ہم نے، ہم نے ایک دوسرے کو ہمیشہ انکریج کیا کہ جو لائف میں مطلب آپ کو پسند ہے ہم وہ کریں۔ ہمیشہ سے تھنکنگ رہی ہے کہ لائف ایک باری ملی ہوئی ہے، آپ کو جو پسند آئے گا آپ وہ کیجیے۔ وہی ایک میں مانتا ہوں کہ مطلب ایک انسپریشن رہا کہ لیٹس ڈو سم تھنگ وچ وی آلویز ووڈ لائک ٹو ڈو۔ بہت شاندار بات کہی ہے، کرنا وہی چاہیے جو آپ کو پسند ہو، اور یہ کامیابی کا بڑا رستہ ہے۔ ایک آخری سوال ہم پوچھتے ہیں سر، کہ جو اسپائرنٹس ہیں، جو سول سروسز میں آنا چاہتے ہیں، کس طرح سے وہ تیاری کریں، کن باتوں کا دھیان رکھیں؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یو پی ایس سی میں نارملی بہت ہی بریلینٹ بچے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں، جو کی پورٹریٹ کیے جاتے ہیں کہ یہ بہت ہی بریلینٹ بچے ہیں، یہ ٹاپ انسٹیٹیوٹ سے ہی آتے ہیں۔ ایسا دیکھیے ہے پیٹرن، جس میں کہ آئی آئی ٹیز کے ہو گئے، ڈاکٹرس ہو گئے۔ اب جیسے دیکھیے، میں نے بی ٹیک کیا ہوا ہے، لیکن میں نے ایک پرائیویٹ کالج سے کیا ہے، اور میں بھی یہ ایگزام کوالیفائی کر پایا۔ تو مطلب ایسا بالکل فکس نہیں کہ وہی لوگ کر پائیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے ہیں، تو آپ کو مینجمنٹ سکلز آتے ہوتے ہیں پہلے سے ہی، اور جو دوسرے کالجز ہیں، جیسے نارمل، جیسے مان لیجیے کورسز کیے ہوئے ہیں آرٹس کے اسٹوڈنٹ، کامرس کے، ان کو تھوڑا وہ پلاننگ اور مینجمنٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے سیکھنے کے لیے، لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں اور رائٹ اسٹریٹجی کے ساتھ محنت کرتے ہیں، وہ ضرور سکسیز پاتے ہیں۔ تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے کئی باری۔ میرے ہی ساتھ جو لڑکے تیاری کرتے تھے، جو فرینڈس تھے میرے، وہ میرے جونیئر بیچز میں آئے، کچھ سروسز میں، آئی اے ایس میں جیسے ایک دو فرینڈ آ پایا، ایک دو پولیس سروس میں گیا، ایک دو ریونیو سروسز میں گیا، ایک دو نہیں کر پایا۔ تو یہ ایگزام صرف ایک ایگزام ہی ہے، آپ جب کام کریں گے تو میں نے سلیکشن ہونے کے بعد بھی آپ کو لگے گا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اس کو، مطلب ایسا بالکل جو سلیکٹ نہیں بھی ہو پاتے ہیں۔ تو لائف میں اپرچونیٹی بہت ہیں، اور ایک اچھی بات جو میری ٹریننگ میں ایک سینئر آئی ایس ادھیکاری نے مجھے یہ کہی تھی کہ آپ جو بھی کام کریں نا ایز این آئی ایس آفیسر، آپ اتنا سوچ کے کیجیے گا کہ آپ کے بعد اس کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ میں نے آپ ایک جو ٹرمینل، جو لوجیکل اینڈ دینا، وہ ہمیشہ رولس کے حساب سے ہو، پرو پیپل ہو، اور آپ کو پروفیشنل لرننگ ہو اس میں۔ اس طرح سے آپ نے بتایا کہ خاص کر جو یہ لکشیہ ہے، یا یوں کہیے کہ یو پی ایس سی کی پریکشا کو پاس کرنا، یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے، بڑی چنوتی ہوتی ہے۔ ٹریننگ کی بات کریں چاہے کوچنگ کی بات کریں، اور اس ایسا کیا انوبھو رہا ہے آپ کا کہ ان چیزوں کا فائدہ ملتا ہے؟ دیکھیے، جیسا میں نے آپ کو ابھی کہا کہ جیسے جو اچھے انسٹیٹیوٹ سے، جو نیشنل لیول کے انسٹیٹیوٹ، آئی آئی ٹی سے، آئی ایم سے پڑھے ہوئے بچے ہیں، تو ان کو ایکسپوزر پہلے سے ہی ہوتا ہے، تو جو سیلف مینجمنٹ ہے، سٹریس مینجمنٹ ہے، وہ لوگ کر پاتے ہیں۔ دوسری بات ہے جو کنٹینٹس کا مینجمنٹ ہے، کون سا کورس کتنے سمے میں ختم ہو جانا چاہیے، وہ لوگ اچھا مینیج کر پاتے ہیں۔ نارمل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، مانے کالج، نارمل کالجز کے پڑھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے جیسے کوچنگ وغیرہ ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اٹ ڈپینڈس آن دا پرسن۔ ایکچولی آپ دیکھیے، کچھ بچے ایسے ہوں گے جو بالکل ایک راجستھان یونیورسٹی کا ڈسٹینس لرننگ کا کورس کے بھی آئی ایس بنے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں نکالا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چوتھے میں نکالا ہے انہوں نے۔ فرق کیا چیز فرق کرتی ہے آپ کے حساب سے؟ دیکھیے، اس میں جو چیز فرق کرتی ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے ایگزام دینے کے بعد، میرا سیکنڈ اٹیمپٹ میں سلیکشن ہوا تھا، اس میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایگزام بہت کمپریہنسو ہے، آپ کی گائیڈنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ ایگزام اتنا کمپریہنسو ہے کہ آپ کو جیسے 6 سے 8 مہینے کے لیے لگاتار پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں موٹیویشن لیول مینٹین رکھنا، کچھ لوگ جیسے ہیلتھ کے ایشوز ہو جاتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ موٹیویشن لیول اور رائٹ اسٹریٹجی، موٹیویشن بھی آ جائے گا، ریسورسز بھی ہوں گے، جو پیسے چاہیے کوچنگ کے لیے وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن جو وہ سیلف مینجمنٹ والا کام ہے تھرو آؤٹ، سروسز میں بھی دیکھیے وہی ہے ایشوز۔ دیکھیے آپ، میڈیا مینجمنٹ ہے، پبلک سے انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دی جائے جو لوگوں کو اوفینڈ کر دے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو گورنمنٹ کی رولز پالیسیز کے اکارڈنگ نہ ہو، تو یہ جو مینجمنٹ ہے وہی سب سے بڑا اسکل ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جیسے آپ ادھیکاری ہوں گے، جیسے آپ نے پہلے بھی انٹرویو کیے ہوں گے،
हर एक ने कुछ कॉमन बातें कहेंगी। आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ कि सर्विसेज और सर्विसेज से पहले भी सेल्फ मैनेजमेंट इज द की। एक्चुअली क्या बात की है, ये बड़ी अच्छी बात बताई है। सेल्फ मैनेजमेंट, राइट स्ट्रेटजी, ये चीज़ें यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल इस ख़ास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।